मेरा नाम जोगा सिंह है जी। जोगा सिंह जी, ये एक वीडियो बहुत चल रही है अब कि जो 26 तारीख को झंडा फहराया जाएगा, खालिस्तान का झंडा फहराया जाएगा, ये कौन लोग हैं आके बताएंगे आप? ये किसने, कहां से सुनी आपने पहले तो ये बताइए। तो यूट्यूब पर चल रही है? तो यूट्यूब पे चल रही है, ये बाहर बैठे एजेंसियों के ही आदमी हैं वो कर रहे हैं, जहाँ ये RSS खुद जान बूझ कर धमा रही है। हमारे किसी आंदोलन में किसी ने ऐसी बात नहीं करी कि RSS का वहाँ पे खालिस्तान का झंडा फहराया जाएगा। जो हमारे संयुक्त मोर्चा के मुखी हैं, चंडोनी साहब हैं, बल्लोवाल साहब हैं या और भी हैं, इन्होंने किसी के मुंह से सुना आपने भी ये खालिस्तान का झंडा फहराया जाएगा? किसी ने भी नहीं बोला और ना ही कोई ऐसी बात है। जो वो पन्नू वर्ग या एजेंसियों के आदमी हैं या RSS के आदमी हैं, ये RSS की एक मेन भूमिका है इसमें, ये प्रधानमंत्री मोदी की मेन भूमिका है इसमें फालतू की ये ऐसी बात करने का कि ये वहाँ पे RSS का झंडा, खालिस्तान का झंडा फहराया जाएगा। हमारी किसी भी संयुक्त मोर्चे में ऐसी कोई बात नहीं है कि खालिस्तान का झंडा फहराया जाएगा। यहाँ हम खालिस्तान लेने के लिए नहीं आए, यहाँ हम मोदी ने जो काले कानून 3 हमारे ऊपर थोपे हैं उसको वापस कराने के चक्कर में आए हैं, वही हमारा सिर्फ मेन मुद्दा है। इस टाइम ना तो कोई खालिस्तान का मुद्दा है, ना कोई तजाकिस्तान का मुद्दा, ना हरियाणा स्थान का मुद्दा, सिर्फ तो सिर्फ किसानों के जो कानून है उनको वापस कराने का मुद्दा है। नहीं, ये बात आ रही है कि दिल्ली में जो आपको मैंने वो बात बता तो दी कि ये एजेंसियों के आदमी बात फैला रहे हैं और RSS वाले खुद फैला रहे हैं, ये मोदी खुद कर रहा है, जानबूझकर ये बातें फैला रहा है कि ये आंदोलन को फेल किया जाए, इनको खालिस्तान की तरफ से बदनाम किया जाए। हमारी तरफ से कोई भी किसी ना संयुक्त मोर्चे की तरफ से कोई खालिस्तान की मांग नहीं कर रहा। जब ये मांग आपकी तरफ से, जो आपकी तरफ से कोई बचाव की कोई बात की जा रही है कि बचाव की बात यही है, जब आप हमें पूछते हो तो हम आपको मना कर रहे हैं कि हमारे नहीं, जैसे आपका जो पलवल में कैंप लग रहा है जैसे, हाँ जी, या गाजीपुर बाढ़ रहे या सिंधु बाढ़ रहे, हाँ जी, यहाँ पर भी किसान बैठे हुए हैं, हाँ जी, वहाँ कोई एक्टिविटी ऐसी नजर आ रही है आपको? ना, यहाँ पे कोई नहीं। ये तो मैंने आज बात ही आपसे सुनी है। यूट्यूब को तो हम जो ऐसी बातें हैं उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि हमारा ये मुद्दा ही नहीं है। यूट्यूब पे भी आप देखोगे ये जो बातें फैलाई जा रही है, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, ये एजेंसियों के आदमियों की बातें हैं सिर्फ, ना कि किसी किसान आंदोलन के, किसी हमारे संयुक्त मोर्चे में से किसी की भी ऐसी बात आई है तो वो बताइए। आपका नाम? मेरा नाम मांगेराम शर्मा जी। आप किसान आंदोलन में से क्या भूमिका है? आप किसान आंदोलन में मेरी नहीं, लाखों लाख लोगों की भूमिका है जो सरकार के 3 काले कानूनों के विरोध में बहुत लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे हैं और सरकार को अपनी बातों को मनवाने के लिए मजबूर करेंगे। कुछ वीडियोज भी चल रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि 26 तारीख को झंडा फहराया जाएगा, खालिस्तान का झंडा फहराया जाएगा, क्या सच्चाई है इसमें? ये किसान आंदोलन है खालिस्तान के आंदोलन से, इस आंदोलन का कोई ताल्लुक नहीं है, पर देश की कुछ फिरकाप्रस्ती ताकतें हैं जो इस आंदोलन को कमज़ोर करना चाहती हैं, वो इस तरह का भ्रामक प्रचार कर रही हैं, जबकि ये किसानों का आंदोलन है। ये जो राष्ट्र विरोधी 3 काले कानून हैं उसे वापस लेने के लिए ये किसानों का एक प्रयास है, पर सरकार और उसकी एजेंसियां और कुछ ऐसे गंदे लोग जो इस आंदोलन के प्रति अपनी हमदर्दी नहीं रखते, वो इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस तरह के सफूगे और काम कर रहे हैं। ऐसी एक्टिविटीज आपने भी देखी है, यूट्यूब पर चली हुई है? देखो जी, मिस्टर पन्नू हैं जो खालिस्तान की बात करते हैं, उनके द्वारा ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। ये हिंदुस्तान के जो सिख कौम हैं इनके लिए सारा हिंदुस्तान है क्या? ये खालिस्तान की मांग क्यों करेंगे? जब जब इस देश के ऊपर कोई भी आपत्ति आई है, परेशानी आई है, तो इस सिख कौम ने अपनी ऐतिहासिक और शानदार भूमिका निभाई है। ये भारत ही इनका है और हमारा है, हम सब मिलकर रहते हैं आपसी भाईचारे से। तो पन्नू जैसे लोगों की बात को हिंदुस्तान का सिख और आवाम कोई तरजीब और महत्व नहीं देता और उसे कंडेम करते हैं हम लोग।